Welcome to Omul Madaris Model School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Good morning, my dear students. How are you all? I hope you are feeling better and good and good condition of iman. Today is Monday, 28th June 2021. Unit number two, red car. आज जो टॉपिक्स uh, की हम रिवीजन करेंगे फर्स्ट टॉपिक है हमारा राइमिंग वर्ड्स, सेकंड वर्ड्स मीनिंग एंड थर्ड ट्रांसलेशन अरहमी वरक माई डियर स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर सेवन फ्राम द इंग्लिश वर्कशीट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन या राइट डे एंड डेट वट इज़ डेट टूडे टुडे इज ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड द डे इज वेडे यूनिट नंबर टू रेड कार उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर वन चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स तो यहां पे क्वेश्चन है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ठीक है राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड्स एंड पे एक जैसी होती हैं ठीक है जैसे लुक बुक टुक शुक इनकी क्या है साउंड्स एक जैसी हैं एंड पे अब उन्होंने हमें दिया हुआ सील हॉर्न आइस ब्रेक्स सीट एंड पाइन ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं कि इनको हमने नीचे जो अंडरलाइन वर्ड्स अंडरलाइन स्पेस है उधर लिखने हैं और जो वर्ड्स दिए गए हैं ठीक है अब यहाँ पे मीट है तो मीट के साथ कौन सा सही लग रहा है सीट तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सीट बॉन्ड हॉर्न केक्स ब्रेक्स यहाँ पे बच्चों सिर्फ हमने साउंड्स का देख लें ये हमारे स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है व्हील्स सील्स पाइस आइस शाइन एंड पाइन ये ऐसे ही आप लोगों ने रामिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं क्वेश्चन नंबर टू उन्होंने कहा राइट मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स ठीक है फर्स्ट वर्ड right है? है शाइनी शाइनी का मतलब होता है चमकदार शाइनिंग का मतलब क्या है चमकदार विंडो खिड़की विंडो का मतलब क्या है खिड़की लिटल छोटा लिटल छोटा बर्डे सालगिरह बर्थडे सालगिरह बच्चों आप लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना प्रेजेंट तोहफा प्रेजेंट तोहफा एक वो वाली प्रेजेंट भी होती है जो आप लोग टीचर अटेंडेंस लगाती है तो आप लोग कहते हैं प्रेजेंट वो उसका मतलब होता है मौजूदा कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो ठीक है नेक्स्ट है थिंक सोचना थिंक का मतलब क्या है सोचना ये हमारे वर्ड्स मीनिंग थे अब हमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है ट्रांसलेट उर्दू कि ये हमें थ्री सेंटेंसेस दिए गए इनकी हमने ट्रांसलेशन उर्दू में करके लिखने की उर्दू तर्जमा लिखना है ठीक है हादी इज़ आ लिटिल बॉय आप लोगों को पता है बॉय किसको कहते हैं लड़के को लिटिल का मतलब होता है छोटा इज़ है हादी हादी तो क्या इसका सेंटेंस बनेगा उर्दू में हादी छोटा लड़का है टुडेज टुडे टुडे कहते हैं आज को इज है हादीज बर्थडे हादी की सालगिरह तो इसका क्या उर्दू में बना है आज हादी की सालगिरह है ही वो लुक्स देखता है एट की तरफ टोयो टोयो की तरफ ठीक है बच्चे यहाँ पे तोयो लिखा है वो आ, मैंने मैंने ये एडिटिंग की थी तो वो तोयो ही आ रहा है तो आपने यहाँ पे डालनी है ठीक है तोएं डाल देनी ऊपर ठीक है वो टोयो की वो टोयो की तरफ देखता है तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है